तो भी आज ईद का दिन है, 11 तारीख है और हम निकले हैं सीतापुर से नैनीताल के लिए। 4 बाइक्स, 4 लोग। तो हम जाएंगे बरेली होते हुए जो कि है 158 किलोमीटर यहाँ से, और सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन दोपहर में गर्मी होने वाली है और इन जैकेट्स में, राइडर जैकेट में बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मी में। लेकिन कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया जाए ताकि गर्मी हो भी तो इरिटेशन ना हो ये सोच के कि भी बहुत दूर चलना है। जून वाली हमारी जो राइड थी उसमें तो सब पागल हो गए थे और अभी की गर्मी कुछ वैसी ही पड़ना स्टार्ट हो गई है। 1 किलोमीटर पे तो है पेट्रोल पंप। हमें लगता है बरेली के पास कहीं मिल सकता है। तो भी हम लोग उल्टा चले, मतलब उल्टा नहीं, गलत आ गए थे। आगे रोड ब्लॉक है, हमें जाना था ये अंडरपास से, पर हम उसको क्रॉस करते चले आए थे क्योंकि ये वाला ओवरब्रिज अभी बंद है। पता नहीं क्यों बंद है, पहले चालू था और भैया हमारे साथ हैं, वो बोल रहे हैं परसों तक ही चालू था, अभी बंद हुआ है। तो फिलहाल सही आ गए। कौन डिस्कनेक्ट हो गया भैया, ये लोग आगे चले गए क्या? वो देखो उड़ गए। ओके, तो अभी हम लोग सभी ब्लू आर्मर से कनेक्टेड हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंटरकॉम है। फिलहाल अभी तक जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मैं और अगे तो बहुत दिनों से यूज़ कर रहे थे, प्रशांत भैया और पुलक अभी हमसे कनेक्ट हुए हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग सब अलग अलग चल रहे हैं, बिल्कुल बात करते हुए। बस ये है कि 1 किलोमीटर की रेंज से बाहर जाते ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर भी इसकी रेंज बहुत अच्छी है 1 किलोमीटर की, और क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी से लेके और सारा कुछ बहुत ही अच्छा है। तो अभी हमारे सबसे आगे चल रहे हैं प्रशांत भैया, पीछे चल रहे हैं अगे, और अगे प्रशांत भैया के बराबर चलते हुए आगे पीछे हम लोग लगे हुए हैं। पीछे से इतना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम लाइन से कह रहे हैं, पीछे से इतना बढ़िया लग रहा है, आगे सब लोग लाइन से बाइक से चल रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने पहले टोल जो कि मैगलगंज का टोल है और थर्ड टाइम हम इस टोल को क्रॉस कर रहे हैं। सीतापुर से नैनीताल वाले रास्ते में ये पहला टोल पड़ता है मैगलगंज का, जहाँ के रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा, रसगुल्ले नहीं कहेंगे, गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो रस नहीं भैया, रसगुल्ला सफ़ेद वाला होता है, उसको निचोड़ने पर रस निकलता है, गुलाब जामुन को आप निचोड़ नहीं सकते। ये बात है, इतनी अच्छी, मतलब ये इतनी अच्छी हमको लगती है ना कि हम नज़र मेरी रुकती नहीं है किसी गाड़ी पे, लेकिन स्कॉर्पियो में मेरी नज़रें टिक जाती हैं बिल्कुल। अभी बगल से ट्रेन निकल रही है, इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा है, ट्रेन जब भी बगल से निकलती है बहुत मज़ा आ जाता है, बिल्कुल बच्चों जैसा मज़ा आने लगता है। हॉर्न ओके प्लीज नहीं लिखा है। हॉर्न प्लीज हो गया है सिर्फ। कौन पैदल चलेगा, अब भाईचारा निभाएंगे। लव इज लाइफ भैया, लव इज लाइफ। यार एक तो हम जैकेट नहीं बंद किए हैं, इतना धूल उड़ रहा है, हे भगवान। बोला कभी चेंज करेंगे तब हम जैकेट बंद कर लेंगे। जय बजरंगबली। शाहजहांपुर शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या बात,
शिट। ये अब तो ये रिपेयर कहाँ हो गए। नहीं खिंचेगा नहीं यार, वो लोहा इसका है बड़ा सॉलिड, भिड़ी है बहुत तेज ना। ये पूरा टेढ़ा हो गया ना, बाहर आ गया ये चीज। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये कहते हैं बाइक जो है 40 की स्पीड के अराउंड ये जाके वो है पेट्रोल पंप पे है, पेट्रोल पंप पे एक वो नहीं लगा रहता जहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, इसकी सीमेंट में जाके ठुक गई तो इसका जो पूरा हैंडल है वो अंदर घुस गया है, मतलब चलने की कंडीशन में नहीं है भाई। तो अभी बस हम लोग राइड का मजा ले ही रहे थे और शाहजहांपुर पहुंचे हैं। हम लोगों ने अपनी बाइक्स यहाँ पे पार्क कर ली हैं और पुलक की बाइक वहाँ पे है खड़ी, यहाँ पे छाँव में थोड़ा सा आके सुस्ता ले रहे हम लोग। तो उसका आपने हाल देखा, बहुत ही बुरा हाल हो गया है उसका और ब्रेक्स नहीं अप्लाई हुए या नीचे कंक्रीट आ गई, कुछ ऐसा हो गया और वो बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें जाके सामने से बिल्कुल इम्पैक्ट हुआ है और उसका जो हैंडल है वो बिल्कुल पीछे, जो पास का आरी का जो भी होगा सर्विस सेंटर वो है 10-15 किलोमीटर पे शाहजहांपुर में। टीम कैसी है क्या है, पुलक आर से क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, आगे भी गए हुए हैं ऑटो बुलाने, ऑटो या कोई भी गाड़ी ऐसी मिल जाए तो फिलहाल हम लोग ही लगवा लें उसको तो काम, ताकि जल्दी हो जाए और ये भी देखा जाए कि कुछ मेजर इम्पैक्ट है या फिर बस वो टेढ़ा हो गया और उसको सीधा करना है। फिलहाल जो आगे का मड गार्ड है फ्रंट टायर का वो तो नीचे से पूरा फट गया है, बहुत बुरा लग रहा है। पुलक बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा बनाता रहता है और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम लोग की जर्नी के ऐसे हो गया है वहाँ पे हैं सब, तो देखते हैं कि क्या होता है, कितना समय लगता है। ये तो बोल रहा था कि मैं वापस चला जाता हूँ बाइक जमा करके या बाइक वहाँ पहुँचा के, तो हमने कहा नहीं वापस तो नहीं जाना है, वो बन जाएगा, बनवा लिया जाएगा जो भी टाइम लगेगा, और या तो अगर बाइक छोड़नी होगी तो बाइक यहाँ पर छोड़ के पुलक को साथ में लेके जाएंगे। ऑलरेडी अभी हमारे पास 3 बाइक है, वैसे बाइक बन जाएगी लेकिन फिर भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बताते हैं आपको रास्ते में क्या रहता है। फिलहाल ऑटो बुलवा के लाया गया है लेकिन कंफ्यूजन यही है कि बाइक ऑटो पे जहाँ तक है लदेगी नहीं। रियली ऑलमोस्ट 45-48 मिनट वेट करने के बाद आरएसए क्लेम पुलक ने कर लिया था तो उठाने के लिए गाड़ी आ गया है, और जहाँ तक है टी जो है बाइक के टी में प्रॉब्लम आई है और वो फ़ोन करके बात कर लिया गया, उन्होंने बोला तो है कि उनके पास है, और सबसे बड़ी चीज़ है आज ईद है और लोग छुट्टी पे हैं तो फिर भी लोगों ने, कुछ लोगों का फ़ोन आया मतलब पुलक की जिससे बात हुई उन्होंने बोला कि भैया छुट्टी पे नहीं रहेंगे, आपकी बाइक हम ठीक कर देंगे। बाइक वो डाला है, मैं आपको दिखाती हूँ, बाइक डाले पर भी ला दी जाएगी। ये देखिए बाइक बेचारी, मतलब बिल्कुल ना लिविंग एंटिटी लगती है, तो कुछ भी बाइक्स में हो जाता है, फिर इतना ज़्यादा प्यार से रखते हैं बाइक्स को स्पेशली हम लोग, कुछ भी होता है बड़ा दुख होता है तो बहुत बुरा लग रहा है, पूरा मूड गई है और इसके टी में प्रॉब्लम आई है। ये देखिए पूरा ये घुस गया है और मडगार्ड भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो फिलहाल पुलक की बाइक टो होके जा रही है, हम लोग साथ में ही जा रहे हैं और यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है सर्विस सेंटर, वहाँ जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है। तब बढ़िया रोड पे चल रही थी क्या, तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा 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 वो हॉर्न दे रहे थे। अरे भैया तो हाँ हाँ सही बात है, क्या रुकवा लिया क्या, यहू टो चालान कटेगा क्या। हो रहा है ये,
तो भाई मजिस्ट्रेट की गाड़ी है और कुछ ऐसा हो गया है लफड़ा कि निकलना चाह रहे थे लोग साइड से और हमें लगता है हमारी गाड़ी आगे थी। हुआ क्या है? नहीं वो समझा रहे हैं, हुआ क्या? ठीक है, नहीं यार बात करनी जरूरी होगी ना, पुलिस वाले उसको पकड़ लिए, बुलाए हैं। तो क्या हो गया? आगे आगे चलो, साथ में मेरे मत चलो। अच्छा चल, पीछे चल रहे हैं, पीछे चलिए। अच्छा चलिए, बोल रहे हैं आप लोग आगे आगे चलो, साथ में मत चलो। मूड खराब हो गया ड्राइवर साहब का। चलिए तो हम फाइनली आरी आ गए हैं और बाइक यहाँ से उतारी जाएगी। हंटर, इसके और इसके ही बीच में कंफ्यूजन था हमें, बट मेरा चॉइस बहुत ही अच्छा रहा विद दिस बाइक। हाँ कुछ नहीं, हाँ हाँ मिरर एडजस्ट टाइट करवाना था, अभी करवाते हैं पुलक का, थोड़ा हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे ही हैं और 9:30 बजे शाहजहाँपुर पहुँच गए थे। अब तक हम लोग कहीं नैनीताल पहुँच रहे होते लेकिन अभी पुलक की बाइक हो गई है जमा और हम लोग जा रहे हैं ऐसे कि अब पुलक हमारे साथ कहीं किसी के पीछे बैठेंगे या फिर बरेली यहाँ से 84 किलोमीटर और दूर है। 84 तो एक तिहाई डिस्टेंस हमारी कवर हो गई है, 2/3 बाकी है, वो भी अच्छे से हो जाएगी। वो बरेली आउटर होगा जो माइलस्टोन पे बता रहा है 67। वैसे हम लोग बाहर ही तो होके निकल जाएंगे, अंदर तो जाना नहीं है बरेली। हाँ वही बात है, माइलस्टोन 67 ही किलोमीटर होगा। अब तो डगआउट पे रुक सकते हैं क्या? अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं हमारे रास्ते के दूसरे टोल प्लाजा को जो कि है बरेली बाईपास पे। तो बरेली में हैं हम कह सकते हैं। कौन सा टोल प्लाजा? फरीदपुर टोल प्लाजा। ओके तो ये फरीदपुर टोल प्लाजा है और पहला हमारा मैगलगंज था सीतापुर से, दूसरा है हमारा फरीदपुर। बहराइच से देखें तो बहराइच से भी वही कंडीशन है टोल प्लाजा की, दूसरा ही होगा ये। तो फाइनली 4 यहाँ पे बच गया है, हम लोग अभी भी 80 डग आउट में हैं और ये हमारा सब खाया हुआ खाना है और अब हम निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही अच्छा लंबा राइड लेने के बाद ही अब हॉल्ट लेंगे, क्योंकि हमारी ये कोशिश थी कि अंधेरा होने से पहले हमें नैनीताल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है, पर ऐसा हो नहीं पाया। हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लेट करने से बेटर है कि थोड़ा सा जल्दी पहुँचा जाए। तो मिलते हैं रास्ते में फिर से। अभी हम लोग एक टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं और नैनीताल यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। हालांकि हमारा जो स्टे पॉइंट है वो है एलेंस कॉटेज, लेकिन बस 56 मिनट दिखा रहा है, तो मतलब 1 घंटे के अंदर ही हम पहुंच जाने वाले हैं। और टाइम हो रहा है 7:30, मतलब बहुत लेट नहीं हो रहा है, बस ये है थोड़ा अंधेरा हो गया है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ते ही अंधेरा हो चाहे उजाला हो मजा आने लगता है। और ये जो रूट है नैनीताल वाला, ये बिजी रूट है तो गाड़ियां चलती रहती हैं तो रोशनी बनी रहती है, इतना कुछ नहीं रहता है। जैसे लास्ट टाइम हम लोग भीरबिलिंग गए थे तो बिल्कुल सन्नाटा अंधेरा पतली सी रोड थी, तो वो थोड़ा सा था, पर इधर की तो रोड ठीक है और अभी तक मजा आ रहा है। टी ब्रेक के बाद पहुंचेंगे सीधे अपने लोकेशन पर। बाइक ही रहेगी ना? हाँ ये सामान लेके चले।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एलेंस कॉटेज भोवाली में, हमने जो बुक किया है, और बज रहे हैं रात के 9:30। और ये अपार्टमेंट हम लोगों ने पूरा बुक किया है और काफी अच्छा वो इसका पूरा वाइब बहुत अच्छी आ रही है। पूरे दिन भर की जो हमारी एग्जर्शन थी वो यहाँ आके बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इस अपार्टमेंट का टूर कराते हैं। हमारे ऊपर की तरफ है, मतलब ये बहुत ही अच्छी डील थी हमारे लिए बुकिंग की। पहले हमारे 3 रातों का था, लेकिन अभी हम लोग कसार देवी में रुकने का प्लान बनाए हैं कल। तो कल हम कसार देवी में रुकेंगे और इसके बाद फिर से परसों यहीं पे रुकना है। तो 2 दिन का हमारा है। और भाई साहब, रूम्स आप देख लीजिए, जो हमारी डील थी ये 5,500 में आई गेस हुई है। देखिए, तो इतना मजा आ गया है ना कि पूरे दिन की एग्जर्शन बिल्कुल खत्म हो गई है और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये है स्टेयर्स, नीचे भी हमारा है सब कुछ, और ये पूरा रूम भी हमारा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्यारा सा टेडी, ये भी जितनी रात हम यहाँ पे रुकेंगे हमारा है। टाइम हो गया है 11:45 और कल की राइड के लिए करना है हमें बहुत ही अच्छे से रेस्ट, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा एग्जर्शन भरा था। एग्जर्शन के साथ साथ बहुत ज़्यादा सबका मोरल डाउन हो गया था, क्योंकि पुलक की बाइक का एक्सीडेंट, वैसे इतना एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बट होता है कि जो होना होता है वो हो जाता है। और हमें पेट्रोल पम्प के लिए मुड़ना ही था कि रास्ते में गाय आ गई, और मतलब पुलक ने इस तरह से काटा कि इसकी बाइक स्लिप कर गई और आगे जो पेट्रोल पंप के सामने जो डिवाइडर्स बने होते हैं उसमें भिड़ गई। और कुछ भी नहीं हुआ, एक रोज भी पुलक को नहीं आई, थैंक गॉड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। पुलक बेचारा इतना दुखी हो गया ना, उसे काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी थी, हेलमेट नया ले रखा था, इंटरकॉम हम तो सारा उसका सेटअप था, और बैग वगैरह सब सही करना, मतलब एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा वो अपनी जर्नी को लेके। लेकिन वही है ना, जो होना होता है वो हो जाता है, तो बाइक को वहीं पे फ़िलहाल छोड़ना पड़ा। हम लोग यही प्रे कर रहे थे कि चैसी में कुछ ना हुआ हो, सिर्फ थोड़ा सा आर्म बेंड हुआ हो, क्योंकि बिल्कुल टायर घुस गया था, बहुत बुरी कंडीशन में हो गई थी बाइक, बट बाइक को छोड़ना पड़ा। तो फिलहाल हम लोग एडजस्ट होके 3 बाइक पे आए और ऐसे बदल बदल के बाइक चला ले रहे थे। तो फिलहाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग ना, मतलब पुलक को स्पेशली पीछे बैठे देख के या फिर दूसरी बाइक पे देख के, क्योंकि बाइक का, गाड़ी का अपना एक इमोशन होता है, जो आपकी जो भी व्हीकल आपके पास होता है बहुत ज़्यादा उससे आप अटैच होते हैं, और आप उसके साथ कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं और फिर वो नहीं हो पाता है तो दुख होता है। तो पुलक को देख के हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे आते गए, पहाड़ तो ऐसी जगह है जहाँ पे कितना भी बड़ा गम हो आदमी भूल जाता है, तो पहाड़ में आके थोड़ा सा चिल हुए। और पुलक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, जिसे कहेंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो शो नहीं करता है, उसको लग रहा था किसी की भी ट्रिप ऐसे बर्बाद ना हो तो जा सकता। तो फिलहाल सोते हैं और नेक्स्ट डे का देखते हैं, मिलते हैं कल। गुड नाइट फॉर टुडे, दिस वॉज डे 1, और आज के लिए इतना ही।